श्री हनुमान बेनिवाल जी आपने आपने सर्टिफिकेट दे दिया इनको वेस्ट बंगाल से है ना इसलिए सभापति महोदय आज चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से सभापति महोदय पूरा देश पीड़ित है और आजकल अखबार के पन्ने पलटते ही कहीं न कहीं ये समाचार जरूर मिलता है कि मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पैसे कोई कंपनी हड़प के भाग गई। गरीब आदमी जो 200 रुपए 250 रुपए की दिहाड़ी करता है वो चाहता है कि कहीं न कहीं मेरा पैसा ठीक जगह सुरक्षित हो, पैसा मेरा दुगना हो। इस तरह कंपनियां आती है, रजिस्ट्रेशन कराती है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी गोरख धंधा देश और प्रदेश के कोने कोने के अंदर चल रहा है, जिससे हमारे लाखों लोग जिनकी जीवन भर की कमाई चिट फंड के नाम से ये उड़ा के ले जाते हैं और बड़े बड़े घोटाले इस मामले को हुए लेकर हुए। सभापति महोदय मैं धन्यवाद दूंगा हमारे वित्त मंत्री जी का और वित्त राज्य मंत्री जो है विराज अनुराग जी का कि चिट फंड, वैसे तो मेरा तो सभापति महोदय एक सजेशन है कि ये लाइसेंस जारी करने ही नहीं चाहिए। किस बात के चिट फंड के लिए आप जारी मत करो, आपके पास बैंक हैं, सारा सिस्टम है, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल तक जो बर्बाद किया इस देश को, तो धीरे धीरे कोई न कोई रास्ता निकलेगा। मैं धन्यवाद आपको दूंगा कि आप चिट फंड जो ये था आपका 1982 का, इसमें संशोधन आप लेके आए। सभापति महोदय इनमें पारदर्शिता, चिटफंड योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का इसके अंदर आपने आश्वस्त किया इस बिल के अंदर, और इसके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद देश की जनता को है। सभापति महोदय पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत चर्चित शारदा चिटफंड घोटाला हुआ, जिसके अंदर सरकार कटघरे के अंदर खड़ी हो गई, रोज वैली और राजस्थान के अंदर अजी मैं तो आपकी स्टाइल का ही हूँ, आप बीच में मत बोलो, आप कंटिन्यू कीजिए। आज दादाजी के थोड़े लिए मैं तो घोटाले का नाम लिया था। नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान के अंदर पीएससीएल ने करोड़ रुपए हड़प लिए और इसी चिंता से केंद्र की सरकार ये बिल लेके आई है। सभापति महोदय चिट फंड की जो कंपनियां हैं उनका राष्ट्रीय डाटाबेस इस बिल के पास होने के बाद बनेगा, तो आम आदमी के पैसों की सुरक्षा हो सकेगी और घोटालों पर भी लगाम लगेगा क्योंकि आरोपियों से जब्त राशि पर प्रथम अधिकार जमाकर्ता का होगा। सभापति महोदय एक ये बिल आप यहाँ लेके आ रहे हैं और इससे पहले भी मोटर व्हीकल एक्ट लाए, इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई, कई राज्य सरकारों ने उसे ये मान के कि दिल्ली की योजना है इन्हें राज्य सरकार नहीं चलाएगी, तो कई राज्य सरकारों ने आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट था उसको भी लागू नहीं किया हमारे राजस्थान के अंदर विशेष रूप से। और ये सही बात है कि पिछले 5 साल जब एनडीए की मोदी जी की सरकार रही किसी भी मंत्री का किसी भी नेता का घोटाले के अंदर नाम नहीं आया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है इस बार सरकार आई और इनके जो वित्त मंत्री थे, खैर उनका चिटफंड से मतलब नहीं, वो तो फेमा का उल्लंघन किया था और उसके आरोप में जेल काट रहे हैं, कल आया आई कर रहे थे आप लोग, उनको बाहर लाओ, बाहर तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जमान देगा, ये थोड़ी लाएंगे, वो तो आप उनकी जमान की तैयारी करो। लेकिन देश की बदनामी निश्चित रूप से इस तरह राजनेताओं के घोटालों के अंदर जेल जाने से भारत की बदनामी विश्व के नक्शे पर हुई। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को वहां लेके जाते हैं जहां पुराने कांग्रेस के समय जब यहाँ के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे मिलते ही नहीं थे, बिना मिले वापस लौट आते थे, और आज हाउडी मोदी कार्यक्रम के अंदर जब प्रधानमंत्री जी गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको सम्मान दिया, देश का मान और सम्मान बढ़ाया। और कांग्रेस ने जो खड्डे कर लेंगे आप चिंता मत करो, अभी अभी आप तो इस चीज की चिंता करो
अभी आप इस सीट की चिंता करो कि रॉबर्ट वाड्रा जेल कब जाए, अभी नहीं जाना, ये ध्यान रखना। नहीं नहीं, तो वो भी जाने वाला है इस क्षण। एक एक मिनट सभापति महोदय, उसकी दिस इज नॉट गोइंग टू द रिकॉर्ड। बेनवाल जी, आप उसकी भी तैयारी हो रही सर, मैं तो एक बिल पर बात कीजिए। अच्छा, बिल पे आ रहा हूँ सर। सभापति महोदय, एक इसके अंदर हमारा एक निवेदन है मंत्री जी कि आप लोग स्टेट ये बिल यहाँ से पारित हो जाएगा, और इसमें हमारे विपक्ष के साथी भी इस मामले में कहीं ना कहीं साथ देंगे, क्योंकि इनके अंदर भी कई भले लोग हैं तो साथ देते रहेंगे, देंगे। इनको भी पता है कि अब जनता जाग चुकी है, अगर सही बात पे साथ नहीं देंगे तो फिर जो संख्या अभी आई है उससे कम हो जाएगी अगली बार, इस चीज का पूरा ध्यान रख रहे हैं, अपनी मदद भी करेंगे। लेकिन सभापति महोदय, एक इसके अंदर कहा गया कि मान लो राज्य में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और उसने सेंट्रल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा किसी कंपनी ने, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ FIR लॉज नहीं करेगी, वो बाध्य नहीं है। तो राज्य सरकारें इसके लिए बाध्य हो, इस तरह का कानून बने कि जो दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाए तो राज्य सरकारें मजबूर हो ऐसे कानून बनाने के लिए। ये कोई राज्य के हितों पर कुठाराघात नहीं कर रहे, राज्य सरकारों का अलग जो सिस्टम अलग है। आज आपके पास जो केंद्र की जांच एजेंसियां, इंटरनल जांच एजेंसी, CBI, लेकिन वो CBI जांच जब करेगी, जब स्टेट के अंदर कोई FIR लॉज होगी किसी कंपनी के खिलाफ और स्टेट रिकमेंड करेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते। तो मेरा ये निवेदन था कि ऐसे मामलों के अंदर इसमें खुल के कि किस तरह पीड़ित गरीब आदमी को न्याय मिले, अगर कोई घोटाला करके भाग जाए कैसे उसको पकड़े। वैसे आपने इसके अंदर एक ये भी किया है सभापति महोदय, चिट राशि की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 और कंपनी के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 18 लाख की, ये स्वागत योग्य। निश्चित तौर पर चिट फंड में आम आदमी पैसा नहीं डूबे, इस उद्देश्य से बिल महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा निवेदन सभापति महोदय यही रहेगा कि राज्य सरकारों को इसके लिए अलग से पाबंद करें, चाहे तो मंत्री जी पूरे देश के जो वित्त मंत्री है उनकी अलग से बैठक लें, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को निर्देशित करें कि भाई जो पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया जिसमें आधे से ज्यादा विपक्षी लोग भी साथ देते रहेंगे इस बिल के अंदर, दे रहे हैं, इन्होंने कहा भी था कि हम साथ देंगे, लेकिन वैसे इनका ज्यादा भरोसा नहीं, अंदर साथ देने की बात करते हैं यहाँ बेल में आ जाते हैं सारे लोग। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते, इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा आपका। और 2024 की बुकिंग तो हो गई इनकी, मैं बताऊँ आपको, 24 से आगे के लिए तैयारी करो आप, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा आपके पास बचा होगा। तो सभापति महोदय, मेरा यही मंत्री जी से निवेदन था कि जो आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी जिसका पैसा ये कंपनियां लूट के ले जाती है, और कई जगह तो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा किसी ने पूरे जीवन की पूंजी घर बनाने के लिए कर ली, और ये कंपनी दुगने तिगने बता के और शीशा दिखा के उसको लेके भाग जाती है। इनके लिए सख्त से सख्त कानून, आप ये बिल लेके आए, आवश्यकता पड़े तो और ऐसा बिल और आप लेके आए ताकि आम आदमी के पैसे को बचाया जा सके। मैं धन्यवाद दूंगा इस सरकार को कि काला धन लाने की शुरुआत करी। अब आप कहोगे काला धन आया तो नहीं, आपको क्या पता आ रहा कि नहीं आ रहा, धीरे धीरे रुक जाओ, टाइम लगेगा साहब, एक दिन में नहीं होता। 70 साल खड्डे खोदे हैं, उन खड्डों को भरने में अभी समय लगेगा। धारा 370-35 से हटी और सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दे दी, 2 बड़ी जीत हुई है इस कार्यकाल के अंदर। और अब जो बाकी बचा है, बिल पे आ रहा हूँ, वापिस बिल पे। वैसे मैं विपक्ष के अंदर खूब रहा हूँ, मेरी बात सुनो, आप मेरे को डिस्टर्ब मत करो, आप अपनी बात करो, मुझे भी बोलने दो दादा, आप सब बोलते रोजाना, हम थोड़ी करता। हाँ, मैंने सब देखा, ऑलराउंडर हूँ मैं। सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन रहेगा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस सशक्त भारत की बात करी है, भारत को सशक्त किया, तकलीफ इनके मन के अंदर जरूर है, छोटे मोटे कोई नगर पालिका हो, कल चुनाव जीत गए होंगे 2-4 जगह, खुश हो रहे हैं हम नगर पालिका जीत गए, तो नगर पालिका वाला यहाँ थोड़ी बैठेगा, यहाँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के देश का PM कौन बनाएगा, वही राज चलाएगा। ले आप ज्यादा खुश मत हो, और अब तो देश उस दिन का इंतजार कर रहा है जब सबसे बड़े घराने जिन्होंने 70 साल इस देश को लूटा उनके दामाद कब सलाखों के पीछे होंगे, ये देश देखना चाहता और चाहता कि कब कार्रवाई करेगी, कब करेगी, कब करेगी। तो सभापति महोदय, मैं तो हूं ना उस जगह, मैं होता तो पकड़ लेता अभी तक। क्या हुआ जीत गए, दो एक एक हो गए, एक हम गोगे जी, एक हम आ गए और एक रोज हो गए, एक रोज हो गए आप आगे। थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट।
श्री पी आर नटराजन जी कार्य नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड